जानू कितनी प्यारी लग रही हो, ईद मुबारक। थैंक यू, ईद मुबारक नबील। चलो अब जल्दी से बताओ क्या लेके आना कुर्बानी के लिए। बकरा, बैल? मैं तो कहता हूँ जानू ऊंट ले आते हैं, पूरे मोहल्ले में हमारी धूम मच जाएगी। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम ले आओ नबील। ठीक है जानू, फिर इस बार हम एक काम करते हैं, हम यैक मंगवाते हैं मंगोलिया से। तुम पापा जी को फोन करो। पापा जी को फोन क्यों करना है नबील? अरे जानू कुर्बानी के पैसे तो पापा जी ने देने ना, सोचो मोहल्ले में कितना नाम होगा मेरे पापा का। हाँ तो इसमें क्या है जानू, हम एक काम कर सकते हैं, हम यैक के गले में बोर्ड लगा देंगे जिसमे लिखा होगा ये हमारे प्यारे पापा जी ने स्पॉन्सर किया है। अगर ये भी नहीं है तो एक और काम कर सकते हैं, हम यैक के पेड़ पे पापा जी की बड़ी सारी तस्वीर लगा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा यैक की है या पापा जी की है। शट अप नबील। ओ जानू प्लीज यार, ईद वाले दिन भी शट अप यार। कल का दिन जो है वो उस पागल चौकीदार की वजह से सारा खराब हुआ यार, और आज भी तुम कुर्बानी करने से मना कर रही हो। नबील मुझे शर्म आती है पापा से पैसे मांगते हुए, शिफ्टिंग में भी इतने सारे पैसे खर्च हुए। ओ जानू मोहल्ले वाले क्या कहेंगे यार, इस कुर्बानी पे हमने एक बकरा तक नहीं किया यार, रात में ख्वाब में भी मेरे ना कलेजी बोटी तिक्के वगैरह आते रहे यार। जानू नाक कट जाएगी मोहल्ले में हमारी। देखो नबील मेरे पास पैसे नहीं है, अगर इस दफा कुर्बानी करनी है तो अपने पैसों से करनी होगी। जानू अब मैं तुम्हें अपने पैसों से बकरा ला के दिखाऊंगा और तुम्हें एक बोटी नसीब नहीं होगी। ठीक है नबी, I'm fine with it। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या जमाना आ गया मोमो। अरे हमारे पड़ोसियों को ही देख लो, ना कल किसी ने गोश्त भेजा है और ना आज। नहीं तो मनवर हमारे पड़ोसियों को पता नहीं होगा ना कि हम कितने वो हैं। वो क्या खानदानी? हाँ खानदानी, हमारे पड़ोसियों को ये नहीं पता होगा कि हम खानदानी फकीर हैं। और क्या, हाय 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 पुत्र क्या हुआ, यास्मीन ने तुझे बकरे के पैसे नहीं दिए? ओ माँ जी, खूबसूरत ने कुर्बानी के बकरे के पैसे देने से इनकार कर दिया है। हेलो, जब तक मैं कलेजी नहीं खाऊंगी मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ेगी। दिल नबील माँ जी। नहीं मैं नबील की नहीं अपने कलेजे की बात कर रही हूँ कफील। ओहो क्या करते हो नबील भाई, मैंने तुम्हारे कहने पर सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी है कि हमारे यहाँ बकरा आ रहा है। ओ यार मैं मूसा, मैंने खुद ये जो हमसाया ना हमारे पाशा साहब, उनसे मैंने कहा था, रोब जमाया था उन पर कि मैं इस बार महमूद साहब के मुंह से बड़े मुंह वाला बकरा लाऊंगा यार। इसका मतलब है हम किसी को वो दिखाने के काबिल ही नहीं रहे कफील। नहीं माँ जी, कुर्बानी तो हम कर रहेंगे। अरे कैसे कुर्बानी करोगे नबील, अरे आजकल 50-60 हजार से कम बकरा नहीं मिलता, कैसे करेंगे कुर्बानी? हाँ। ये देखे महमूद साहब, ऑनलाइन बकरों की सेल लगी हुई है, 10 हजार का बकरा मिल रहा है, डिलीवरी फ्री है, यहीं से मंगवा लेते हैं। तो फिर निकाल 10 हजार पुत्र, अभी मंगवाते हैं बकरा। लाए महमूद साहब 10 हजार दे। अरे भाई मैं कहां से दूं 10 हजार, मेरी तो अभी पेंशन भी नहीं आई है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। और यार महमूद साहब जिसके पास जो है वो ले आए और आ जाए लाउंज में, वहां बैठकर डिसाइड कर लेते हैं। आ जाओ वहां से ऑर्डर करते हैं। अगर कुछ निकल आया तो भाई वैसे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, उस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए। ये मेरी तरफ से। ये मेरी तरफ से। अच्छा जी तो ये हो गया मेरी तरफ से। ये सब क्या है माँ जी? चुबा, हम तुझे क्यों बताएं कि हम इन पैसों से बकरा खरीदने वाले हैं? क्या? हाँ ना, ऑनलाइन बकरा मिल रहा है सिर्फ 10 हजार रुपए में। 10 हजार का कौन सा बकरा आता है? तुम टेंशन ना लो जानू,
तुम क्या समझती थी, तुम्हारे पापा क्या समझते थे, वो पैसे नहीं देंगे तो हम कुर्बानी नहीं कर सकते? हम अपने तरीके से, अपने तौर पर, अपने दम से कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ पुत्र, जल्दी से बकरा ऑर्डर कर, इस डैन की बातों में ना आना। हाँ नबील, ऑर्डर करो यार जल्दी से, उसके बाद मैं पूरे मोहल्ले में जाके बताऊंगा कि हमारा बकरा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। हाँ महमूद साहब, अगर कोई पूछे तो आपने ये कहना है कि 1.5 लाख रुपए का लिया है बकरा। ठीक है। हाँ जी, और मैं ना अपने बकरे का गोश्त किसी को नहीं बांटना, सारा गोश्त अपने फ्रीजर में भर लेना। हाँ, फिर हम ना पूरा महीना आराम से बैठ के सिर्फ गोश्त खाएंगे, गोश्त। इंतहाई शर्म की बात है यार, आप लोगों की सोच कितनी घटिया है। चुप, तू तो चाहते नहीं थी इस घर में कुर्बानी हो रहा ना। खूबसूरत माँ जी, फुटे मुंह तेरा, बड़े आई खूबसूरत। ओ माँ जी, ईद का दिन आज तो लड़ाई बंद करे ना, चले हम बकरा ऑर्डर करते हैं यार। मैं ना जाके छुड़ियां तेज कर लेती हूँ। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। चलो चलो, बकरा आ रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। बुक तो कर लूं भाई पहले। चले महमूद साहब आए, आए जरा, चलो बकरा हैंडबुक करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता नहीं क्या प्लान बनाते रहते हैं। महमूद। हाँ, अब मैं जल्दी से कसाई को बुलवा के ना तो महमूद को ज़िबा करवाती हूँ। अरे महमूद, मैं हूँ भाई तुम्हारा शौहर। नहीं तो फिर हम कुर्बानी किसकी करने लगे? अरे बकरे की भाई, और किसकी? चलाओ चलाओ चलाओ। हाँ, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रही नबील, ये बकरे को डब्बे में बंद करके क्यों भेज रहा है? सांस कैसे ले रहा होगा? हो सकता है उसने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा हो। हाँ लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा, बकरे की आवाज ही नहीं आ रही कोई। हो सकता है जानू अंदर आराम कर रहा हो, सो रहा हो। अरे नबील जल्दी से खोलो ना यार, फिर मैंने बकरे को मोहल्ले का चक्कर भी लगवाना है। हाँ ये भी सही कह रहे हैं महमूद साहब, ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे। ये तो झूठ मूठ का बकरा है दील। और नबील माँ जी। हाँ ये तो झूठ मूठ का नबील है दील। यार नबील, अरे ये क्या पूरे 10,000 जाया हो गए हमारे? अब हम मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों ना हम प्लास्टिक सर्जरी करवा के नवा मुंह लगवा लें शफीक। महमूद ना, महमूद का एडा बड़ा मुंह मैंने नहीं लगवाना, मैं तो मायरा खान का मुंह लगवाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था ना, 10,000 का बकरा भला कैसे मिल सकता है यार? पुत्र सारे मोहल्ले में हमारी बड़ी बेइज्जती होगी कसम से। नहीं माँ जी, मैं आपकी नाक मोहल्ले वालों के सामने नहीं करने दूंगा, मेरे पास एक और प्लान है। आप लोग अपना एक एक कान इधर लाएं। क्या ख्याल है? ये ठीक है, एक दफा फिर आओ। चेक करो। ये वो बकरा है। ओ यार महमूद साहब, ऊंची आवाज में आवाजें बनाएं यार, आप समझ नहीं रहे, मोहल्ले वालों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास तगड़ा मजबूत बकरा है यार। यार ये सब क्या है नबील? जानू हम लोग खानदानी लोग हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे हमें महमूद साहब को पूरे एपिसोड में बकरा बनाकर रहना पड़े। है नहीं, मैं करना इफ्तिखार आपने। अरे बस बोलो, मेरा गला बैठ गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम करो। ओ माँ जी प्लीज यार, महमूद साहब से मिलती जुलती आवाज निकाल लें, वरना मोहल्ले वालों को शक हो जाएगा यार। कोई नहीं पुत्र, उनको कह देना हमारे घर 2-3 किस्म के बकरे आए हुए। लो भाई जानू, लगता है गोश्त आया है, चलो आओ चल के देखते हैं। आओ। हाँ। जी, आप आवाज लगाती रहे। अच्छा जी, आवाज लगाती रहे। कैसी आवाजें निकाल रही हो मोमो, बकरे का क्या पेट खराब है? अरे पाशा साहब आइए आइए आइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। माशाल्लाह आपके बकरे की आवाज सारे मोहल्ले में गूंज रही है। महमूद साहब तो बता रहे थे कि बड़ा आला नस्ल का बकरा लाए इस बार वो। आप अंदर नहीं आएंगे हमारा नायाब बकरा देखने? ऑस्ट्रेलिया से आया है, क्यों नबील? हाँ हाँ, मैं आप लोगों को बकरे जो देखने आया हूँ अभी। पाशा भाई आप ना अंदर नहीं आ सकते, हमारा बकरा जो है ना बड़ा तगड़ा है और उसको नजर लग जाएगी, और वैसे भी हम ना दिखावे के कायल नहीं है।
ये खास कौन रहे? बेसिकली पाशा भाई वो हमारा ना जो बकरा है उसका गला खराब है जानू, तुम एक काम करो गर्म पानी के ना उसको गरारे कराओ जाके प्लीज। ओके ओके पाशा भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके पाशा भाई मिलते हैं इंशाल्लाह। यार नबील आप तो मोहल्ले वालों को यकीन आ गया होगा ना कि हमारे घर बकरा आया है। हाँ हाँ महमूद साहब, बस शाम तक आपको बकरे की आवाजें निकाल ली। अरे बस भाई बकरे की आवाज निकाल निकाल के मेरा गला बैठ गया है। नहीं महमूद की आवाज बहुत बुरी है, आप बैल या ऊंट की आवाज निकाल लेना। महमूद साहब एक वक्त था हमारे यहाँ 100-100 ऊंटों की कुर्बानी हुआ करती थी। वैसे ये कब होता था पुत्र? ओ माँ जी आपको कोई चीज याद कब रहती है यार, मेरा सगा बाप कुछ भी करके कुर्बानी जरूर करता था यार। जब से मेरे बाप का साया सर से उठा है वो तो कुर्बानी के गोश्त को तरस गया हूँ। हाय पुत्र ठीक कह रहे, इस बड़े मुंह वाले ने एक यक न ला के दिया कभी हमें। अरे भाई उसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने पैसे तो डाले थे बकरा लाने के लिए, अब अगर वो बकरा नकली निकला है तो मेरा क्या कसूर है भाई? ये लो नबील ये 30,000 है, जाके कोई छोटा मोटा बकरा ले आओ। ये क्या जान, आप सब लोग बकरे की आवाजें निकाल निकाल कर पागल हो गए थे और साथ साथ मुझे भी टॉर्चर कर रहे थे, अब ये लेन पैसों से ले लें बकरा। अरे मैं सिद्ध के मारे जाऊं खूबसूरत बहुशाना के। अरे महमूद साहब चले नन्ना मुन्ना सा गुलाबी बकरा लेके आते हैं। वो जो हम नन्ना नन्ना सा गुलाबी गुलाबी लाएंगे वो बकरा होगा। हाँ जी अच्छा जी आज वो चलो जी आज वो। थैंक यू जानू थैंक यू थैंक यू बकरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू बकरा। यार नबील जैसा बकरा तुम लेना चाह रहे हो वो 30,000 में मिल जाएगा यार, आजकल तो बकरे बहुत महंगे हुए हुए। ओ महमूद साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यार, उधार कर लेंगे बकरे वाले से। अरे बकरे वाला उधार कर लेगा? नहीं करेगा तो मैं आपको गिरवी रख दूंगा ना यार। नबील ओ यार महमूद साहब बंदा रहे, आए आए इससे देखें। हाँ भाई बेच रहे हैं बकरा? हाँ बाबा बेचना है सही। कितने का बाबा? बस 1,00,000 का है। 1,00,000 का? अरे नबील हमारे पास 1,00,000 रुपए कहाँ है यार, आओ ना बाजार चलते को सस्ता बकरा लेते हैं, वैसे ईद का आधा दिन हमारा गुजर गया यार। अरे बाबा तुम लोग बहुत सादे मुझे लग रहे हो, ये बकरा तुम लोगों को 50,000 में दूंगा सही कैसा? 1,00,000 रुपए का बकरा सिर्फ 50,000 रुपए में? और लेकिन यार हमारे पास तो 50,000 भी नहीं है। अरे बाबा तुम लोगों के पास कितना पैसा है सही बताओ? हमारे पास तो कुल मिला मिलू के 30,000 रुपया होंगे। अच्छा बाबा फिर लाओ। और नहीं भाई ना तेरी ना मेरी 20,000 में डन करता है बाबा। चलो ठीक है सही, देर आप लोग जिद करते हो तो जिद करते हैं। ये लो 20,000 ठीक है। चलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक बाबा। ईद मुबारक बाबा। ईद मुबारक। हाय फिरखंदा आप तो भूख के मारे मेरे पेट में वो दौड़ रहे हैं। चूहे कहाँ हैं? चूहे कहाँ हैं? आपके पेट में, अभी तो आपने कहा मेरे पेट में तो अब सिर्फ कुर्बानी का गोश्त जाएगा। शाबाश तू फटाफट जाके ना भेजा फ्राई बना ले। भेजा तो आप अच्छा फ्राई करती हैं माँ जी। ठीक है तो फिर मैं वो कर लूंगी और तू वो बना ले। वो क्या माँ जी? वही जो कच्चे कच्चे होते हैं। केले? और केले नहीं वो जो गोश्त के बनते हैं। मैं कच्चा गोश्त नहीं खा सकती माँ जी, मैं कीमे भरे करेले बना लूं। कीमे? हाँ हाँ याद आ गया, तू ना कच्चे कीमे के कबाब बना ले रक्षंदा। खूबसूरत माँ जी। हाँ हाँ खूबसूरत खूबसूरत बनाना। देखो हम कितना प्यारा और अच्छा बकरा लेकर आए सिर्फ 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में इतना अच्छा बकरा कैसे ले आए आप लोग? सच सच बताएं चोरी तो नहीं की? ओ यार क्या बातें करती हो जानू यार, एक तो हम लोग इतना सस्ता बकरा ले गए हैं ऊपर से तुम शक कर रही हो। बस पुत्र अब देरी किस बात की है, जल्दी से कसाई बुलवा ले, बिल्कुल वो नहीं हो पा रहा मुझसे। डन है माँ जी अभी लाता हूँ कसाई। कलर भी देखो तुम्हारे जैसे है। ये मेरी बहू है सकीना, मिल चले भाई। चलो आप ले जाओ, चलो कसाई ले गया, कसाई ले गया, चलो 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 शाबाश। हाँ भाई मैं चमन ला रहा हूँ। और तू कोई भी हो हम किसी को गोश्त नहीं देते। ओ बीबी मैं गोश्त मांगने नहीं आया हूँ यहाँ। हाँ तो फिर तू वो मांगने आया होगा। वो क्या? वही जो सफेद सफेद सी थी ना। चीनी? नहीं 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 वो जो मोटी सी होती है। उफ,
और मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ एक बदमाश की खाल उतारने आया हूँ। हाँ हाँ, खाल याद आया, तो तू यहाँ खाल लेने आया होगा। और नहीं, मैं यहाँ राजा को लेने आया हूँ। और कौन राजा? मैं किसी राजे को नहीं जानती। और राजा मेरा बेटा, और किसी ने उसको यहीं इस घर के आसपास देखा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ उसको लेने के लिए। अच्छा, तो तेरा बेटा दिखता कैसा है? बुरी बुरी आंखें, लंबे लंबे कान, और उसकी दुम पे ना घंटी बंधी हुई है। तेरे बेटे की दुम भी है? और राजा मेरा बकरा है भाई। ओए शबशे, तूने बकरे को बेटा बनाया हुआ है? ओए बुढ़िया, बकवास बंद कर और सीधी शराफत से अंदर लेके चल चल। ना तो आइए ना, इस कदर प्यारे लग रहे, ये जुलाबी कलर का कुर्ता अपने पहना हुआ है। आइए मेरे भाई। ओ यार जानू, आजा यार, भूख बहुत लगी हुई है, खाना कब तैयार होगा? खाना तैयार है नबील, माजी का नहीं पता चल रहा कि कहाँ है। पुत्र, पुत्र दादाजी आ गए। अरे नबील, तुम्हारे दादा अभी तक जिंदा है? तुमने कभी बताया ही नहीं। मैं मूसा, मुझे तो खुद नहीं पता था। दादाजी मुबारक। और मैं तेरा दादा नहीं, छम्मन दादा हूँ। 50 खून किए मैंने और थर थर कांपते लोग मेरे नाम से। नबील सच सच बताओ, अब तुमने क्या किया? जानू आज के एपिसोड में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओ मेरा बच्चा राजा चेन छुड़ा के भाग गया है। ओ सुना, आखिरी दफा तुम्हारे घर के आसपास नजर आया वो? लेकिन हमने तो सुबह से कोई बच्चा देखा ही नहीं है। बस दिन का राजा ना वो है वो। अरे वो क्या मोमो? वो जिसे हमने अभी अभी ज़िबा किया है। बकरा? ओ खबरदार, मेरे राजा को अगर बकरा कहा हो किसी ने, और जिसने भी मेरे राजा को अगवा किया है ना, वो मुझसे बच नहीं सकता। ज़िबह करके रख दूंगा उसको। अब क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं तो आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते, तो हम लोग अभी बस खाना वाना अरेंज करके आते हैं, आप खाना खा के जाइएगा। आप लोग आओ किचन में। नबील मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तू काला निकाल के दाल खा लेना, चापे तो मैं खाऊंगी। अरे मोमो, कि ये छम्मन दादा हमें काट कर हमारी चाप महीना बना दे। मोमो साहब, मुझे लगता है हमने जो बकरा ज़िबा किया है ना, वो छम्मन दादा का ही था। अरे तभी वो बंदा हमें इतना सस्ता बकरा दे के भाग गया। अब क्या करेंगे नबील? वाह नबील, तुम खुद तो फंसते हो और साथ में मुझे भी मुश्किल में डाल देते हो हर बार। अरे जानू एक काम करो, तुम बाबा जी से बोलो हम सबको फौरन लाहौर बुला ले। शट अप नबील। ओके जानू। यार ये छम्मन दादा बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर उसे पता चल गया कि हमने उसका बकरा ज़िबा किया है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं तो खाना खा के पड़ोस में ईद मिलने चली जाऊंगी भाई। मोमो, अब जब मुसीबत पड़ी है तो पतली गली से निकल रही हो? अरे तुम्हें तो कुर्बानी की रट लगाई हुई थी, सुबह से दिमाग खाया हुआ था कि बकरा लाओ बकरा लाओ बकरा लाओ। हाँ तो मैंने कब कहा था कि चोरी का बकरा ले आओ? हैं इश्फाक, महमूद। अच्छा तो ये महमूद का बकरा था, अभी तो आप कह रहे थे ये छम्मन दादा का बकरा है। अब चले बाहर, छम्मन दादा को कोई शक ना हो जाए। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, गलती से भी राजा का नाम नहीं लेना। पुत्र तू फिक्र ना कर, राजा का नाम लेने वाले के मुंह पे ना लकवा आएगा। वाह भाई वाह, राजे की चांपे तो बिल्कुल कमाल हो गई। क्या कहा तुमने? क्या कहा? नहीं नहीं, आपने सही तरह वैसे कबाब नहीं खाए, मीठा ला के दूं आपको? ओ नहीं नहीं, ये तिक्के मिक्के कबाब शबाब देख के ना मुझे पता नहीं क्यों अपने राजे की याद आ रही थी। भाई बहुत ही जायकेदार बच्चा था आपका। क्या क्या कहा तुमने? इसका मतलब है कि कितना समझदार बच्चा था आपका। अरे जब ही तो चेन तोड़वा के भाग गया। ओ बस वो लोग एक दफा मिल जाए मुझे जिन्होंने मेरे मासूम बच्चे को अगवा किया, तिक्का बोटी कर दूंगा उनकी। और तुम लोग सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरे राजा को देखा या नहीं? छम्मन दादा, हम लोग तो खुद बड़े ही शरीफ लोग हैं, हम किसी का बकरा मेरा मतलब है बच्चा क्यों अगवा करेंगे। छम्मन दादा, लेकिन हो सकता है जिसने आपका बकरा अगवा किया वो इस मोहल्ले का एक कोई बदबख्त हो और उसका नाम इदील हो। कौन है ये इदील? मैं तो नबील हूँ। देखो भाई, जो भी कोई मेरा बच्चा मुझे वापस ला के देगा ना, मैं उसे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख? आप फिक्र मत करें छम्मन दादा, हम ला के देंगे आपको आपका राजा। अब जो हम इनको वापस ला के देंगे वो इनका राजा होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आप लोग जरा मेरे साथ कमरे में आए प्लीज। जी 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 जी, आज वो दादाजी आपने आराम करना है।
करें ना। नबील ये तुमने क्या किया यार, अब तुम चंदन भाई को उनका राजा कैसे ला के दोगे? हाँ, उसके राजा की तो तिक्का बोटी बना के पहले ही हम खा गए। नबील, अब चंदन भाई हमें नहीं छोड़ेंगे। ओ यार महमूद साहब, वो हमें एक बकरे के 5 लाख रुपया दे रहा है यार, सोचें। और अगर हम उसका बकरा ला देंगे तो वो 5 लाख हमें मिल जाएंगे जानू। पर तुम उसका बकरा लाओगे कहाँ से? ओ जानू, वेरी सिंपल यार, बकरों के कौन से को नाम पता लिखा होता है यार, मिलता जुलता बकरा ला के उसे दे देंगे, शमन दादा जो है वो खुश हो जाएगा। आई कफील, कितना शातिर और मकार है तू। चलो जानू, 50,000 निकालो। मैं पैसे क्यों दूं? ओ जानू, डबल करके वापस कर दूंगा तुम्हें, जल्दी से पैसे दो ताकि हम छमन दादा का राजा लेकर आए। हाँ, मेरे पास राजा की तस्वीर भी है, मैंने उसके साथ सेल्फी उतार के ना फेसबुक पे चढ़ा दी थी। ये चीज महमूद साहब, ये चीज। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में पूरे 2 लाख वापस चाहिए। जमीना तो कितनी लालची हो गई है। और ठीक है जानू, 2 लाख तुम्हारे, 1-1 लाख हमारा, डन। आप फिक्र ना करें बब्बन दादा, आपका बच्चा मिल जाएगा। और बब्बा नहीं, छम्मन दादा नाम है मेरा, और आज तो मैं अपना राजा लेके ही जाऊंगा। आप टेंशन ना लें, नबील और महमूद साहब लेकर आते ही होंगे, बस मुझे लगता है आगे आज आओ, आज आओ, आज 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 वो 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 बिस्मिल्लाह है ना। छप्पन भी आप जल्दी से 5 लाख निकालो, 5 लाख निकालो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से दो, जल्दी से। थैंक यू। लेकिन मुझे इसकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। लगता है आपकी याद में रो रो के ना इसका गला बैठ गया है। ओ नहीं नहीं, ये मेरा राजा नहीं है। अरे चम्मन दादा, ये ही आपका राजा, ये देखिए आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये राजा है, और वैसे भी राजा की धुन पे तो मैंने घंटी बांधी हुई थी। एक्सक्यूज मी दादाजी, वो जिस घंटी का आप जिक्र कर रहे थे, कहीं वो ये तो नहीं है? यही तो है, यही मेरे राजा की धुन पे बंदी हुई थी। कहाँ है मेरा राजा? वो तो हम लोगों के पेट में, थोड़ा थोड़ा आपके भी पेट में है। वो कमबख्तो, तुम लोगों ने मेरा राजा काट के खा लिया, और मैं तुम सबको एक एक करके जिम्मा कर दूंगा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल।